गवर्नमेंट ने जो भी किया ये क्या गलत है। तो जो बिहार के मजदूर हैं, दुर्दशा में हैं, उनके साथ समस्याएं हैं, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उठाना। जो एनएससी की कार्रवाई हुई कितना सही मानते हैं आप उसे? देखिए, मेरी समझ से पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक यूट्यूबर है और यूट्यूबर को इतनी बड़ी सज़ा देना मेरे समझ से ठीक नहीं है। और गवर्नमेंट ने जो भी किया ये पूर्णतया गलत है। आपको सज़ा देना था तो सज़ा का एहसास कराना चाहिए था कि ताकि अन्य लोग ऐसा ना करें। तो इतना एनएससी की कार्रवाई से मुझे नहीं लगता कि जो है जो गवर्नमेंट ने किया वो अच्छा किया। तो सबसे पहले तो किसी अपराध का जो एंगल है उसमें मोटिव देखना चाहिए कि उसका मोटिव क्या था। तो मुझे लगता है इस अपराध में मोटिव निश्चित तौर पर यह था कि जो बिहार के मजदूर हैं, दुर्दशा में हैं, उनके साथ समस्याएं हैं, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उठाना। अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे बयान आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपत्तिजनक होती हैं, कभी कभार अपराध भी होती हैं, कई प्रकार के अपराध उस पर होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया से अपराध के लिए भारत में आईटी एक्ट नाम का एक कानून भी प्रचलन में है। आईटी एक्ट की धारा 66 और उसके साथ आईपीसी की धाराएं जो अपराध किया गया है, अगर अपराध राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डाल रहा था तो आईपीसी की धारा 153, 295 और उसके साथ 505(1) और (2) आईपीसी के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो नहीं फ्रीज होते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फ्रीज होने की स्थिति तब होनी चाहिए जब कोई आतंकवादी संगठन है, सेपरेटिस्ट है। जैसे आप देखिए, ये अभी तेजपाल सिंह ढिल वाला मामला है जो खालिस्तान आंदोलन चल रहा था, जिसमें अमृतपाल, उसमें उन्होंने पूरा थाना घेर लिया, पुलिस को मारा, पूरा एकदम आतंक पैदा कर दिया, पंजाब को अलग देश घोषित करने की मांग करने लगे। और जैसे देखिए, अभी ब्रिटेन में हुआ, अमेरिका में हुआ, जर्मनी में हुआ कि भारत के कौंसुलेट पर हमला किया गया, भारत के कौंसुलेट में भारत के झंडे को फेंक दिया गया, वहां आग लगाने का प्रयास किया गया। तो ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिन पर एनएसए लगाया जाना चाहिए। ये राष्ट्र की संप्रभुता का प्रश्न को चैलेंज करने वाली घटनाएं हैं। लेकिन एक पत्रकार कोई अगर किसी गलत सूचना का भी प्रसारण कर देता है तो उसके लिए आईपीसी की विभिन्न धाराएं हैं, 505 आईपीसी एक्ट है, 253 है, 153 है, 295 है ए, तो इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए थी, एविडेंस अगर कोई होता तो उनको न्यायालय सजा करती। लेकिन जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दरअसल हुआ क्या कि 1980 में जब सरकार कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ इस देश में आवाज़ उठने लगी तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए एक रौलट एक्ट से भी खतरनाक कानून बनाया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।